पापा या मुझे माफ कर दो। क्यों, क्या हो गया भैया? मैं कैसे बताऊं? एक सेकंड। हेलो। हाँ अब बता। हाँ क्या कहा है? हाँ भैया मैं कैसे बताऊँ? अच्छा, एक सेकंड तू रुक जा। ओ छोटू, एक काम कर, जल्दी जोड़ जाके दुबई की टिकट करा दे एरोप्लेन की। अबे यार मैं नहीं करा रहा कोई टिकट वगैरह, सामने बैठे हो, बोल दो जो बोलना है। हाँ अरे छोटू तेरे से कुछ नहीं होएगा जिंदगी में, अब देख मैं क्या करता हूँ। बन गया एरोप्लेन, अब चलेंगे दुबई। अब चलेंगे दुबई। दुबई तो आ ही गए, पता नहीं दिख नहीं रहा, पूछ लेते हैं फोन करके। चलो एरोप्लेन इधर रख ही लें। हेलो। हाँ भाई अब बताओ क्या हुआ? और तुम दिख ही नहीं रहे यार यहाँ पे, कहाँ गए हो तुम? अरे भैया मैं कैसे बताऊँ, और मैं तो अभी इंडिया में ही हूँ। तुम इंडिया में हो? रुक जाओ मैं आ रहा हूँ वापस। अबे यार तुम लोग ना क्या पागल हो, बैठे हो सामने, बोल दो ना यार, क्या बार बार फालतू के नाटक कर रहे हो? चलो बैठ जाते हैं हम भी। भैया मैं कैसे बताऊं? अरे भैया तुम लोगों में दिमाग नहीं है क्या यार, सामने बैठे हो, बोल दो क्या दिक्कत है यार, हर बात में ये कर दो वो कर दो, क्या है यार, सामने बैठे हो बोल दो। अरे भैया मुझे माफ कर दो। इस आदमी का ना दारू पी पी के दिमाग ही खराब हो चुका है, इसको क्या लग रहा है सिर्फ है ना आलू की सब्जी खाने की वजह से क्या सेठ अपना सर फोड़ देंगे क्या? बस इसने मेरी आलू की सब्जी खा ली गधा। तूने 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 मेरी आलू की सब्जी खा ली। मेरे पैसों से आता है, मेरे मर्जी, मैं अपने पैसों की दारू पी रहा हूँ, तेरे पैसों की थोड़ी ना पी रहा हूँ, मेरी मर्जी मैं पीऊंगा और भी पीऊंगा। तो मैं बताती हूँ ये ले। वो देखना तू बिल्कुल देखना, मैं वापस आऊंगा वापस। टट्टी है क्या जो बार बार आएगा? निकल निकल से। मैं जा रहा। भैया गेट खोल दो भैया प्लीज आ जाओ बाहर आ जाओ भैया जरूरत है भैया गेट खोल दो भैया बाहर आ जाओ भैया गेट खोल दो भैया। कौन है इतनी जोर से गेट ठुक रहा है इतनी रात को? और जोर से ठुक लेता ना गेट को, बम नहीं है क्या तेरे पास? बम से फोड़ देता, विस्फोट कर देता। भैया मुझे एक दिन तुम्हारे घर में रुकने दे दो भैया प्लीज रुकने दे दो। क्यों, तूने ऐसा क्या महान काम कर लिया जो मैं तुझे अपने घर में रुकने दूँ? हाँ बोल। अरे भैया तुम क्या बात कर रहे हो, मैं बहुत ज्यादा महान इंसान हूँ, तुमको शायद मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा महान हूँ,
सही कह रहा हूँ, बहुत महान हूँ मैं। महान इंसान है तू, बता कैसा महान इंसान है। भैया देखो, तुमको मैं अपनी महानियत साबित करूँ ना, तो सुनो, चलो बता तुम्हारे यहाँ पे कौन सी कंपनी का एसी है। अभी तो घर में आने को मना कर रहा हूँ और तेरे को ठंडी ठंडी एसी की हवा चाहिए। बता क्या महान काम करा है तूने जो मैं तेरे को अपने एसी की हवा दूँ और अपनी एसी की कंपनी बताऊँ, गधे। अरे भैया बताओ तो यार, क्या हम कोई खास थोड़ी ना जाएंगे, तुम्हारा एसी बता तो दो। हाँ, मेरे घर में एलजी कंपनी का एसी लगा है, बता तेरे को क्या काम है। एलजी का है? एलजी का मालिक कौन है? कौन है? वो है? नहीं नहीं, मुझको मालूम है कौन है। अरे गधे, वो तो सभी को मालूम है कौन है। अच्छा, यही है तेरी महानियत, यही है तेरा महान काम। एक नाम क्या याद रख कर लिया, बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है, महान इंसान, चला निकल। तुम तो चलो छोड़ो वो बात को, चलो बताओ तुम्हारे पास कौन सी कंपनी की गाड़ी है, बताओ बताओ। मारुति कंपनी की है, क्या काम है तेरे को। मारुति की है, चलो वो छोड़ो, तुम बताओ तुमको आगे चल के तुम्हारी को कौन सी गाड़ी चाहिए, मतलब तुम्हारी ड्रीम कार कौन सी है। मैं आगे जाके लैम्बोर्गिनी कार खरीदना चाहता हूँ, बहुत सही लगती है। लैम्बोर्गिनी का मालिक कौन है? कौन है? वो है? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, मुझे मालूम है कौन है लैम्बोर्गिनी का मालिक। अरे निकल पागल, ये तो सभी को पता है। अच्छा वो सब तो छोड़, जब मैंने तेरे को मारुति बताया तब तूने क्यों कुछ नहीं बोला, तू ऐसे तो सबके मालिक के नाम ले रहा है, मारुति से क्या डरता है। अरे वो अब मालूम नहीं था मारुति का मालिक कौन है, इसलिए पूछ लिया वापस। हट बे गधे, मुझे प्लीज एक दिन के लिए रुकने को दे दो, देखो मैं कितना तो हैंडसम हूँ। हैंडसम, हैंडसम का एच भी नहीं लगता है तू। भैया हैंडसम एच से कहाँ, हैंडसम तो हेन से चालू होता है और हम तो हैंडसम के हेन लगते हैं। तेरी शक्ल तो मुर्गे को लखुआ मार गया वैसी ही दिखती है, चल निकल रोड से, परेशान कर रहा है रात में पागल इंसान। अरे भैया माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ।